You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith. नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व नगरी। मैं नीलमणि। हर साल की तरह ऑस्कर अवार्ड्स 2022 की धूमधाम से शुरुआत हुई, लेकिन अचानक वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कैलिफोर्निया के पास लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई। हंसी खुशी के माहौल में अचानक हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ को ऑस्कर हाउस पर गुस्सा आ गया। स्मिथ ने स्टेज पर जाकर प्रेजेंटर क्रिस रॉक को जोर का मुक्का जड़ दिया। स्मिथ के पंच मारने की वजह उनकी पत्नी का मजाक उड़ाए जाने को बताया जा रहा है। इस साल के ऑस्कर होस्ट क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी पर जोक मारा था। उन्होंने स्मिथ की पत्नी को बालों को लेकर कमेंट कसा था, जिसके बाद विल स्मिथ खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने स्टेज पर जाते ही क्रिस को जोर का पंच दे मारा। इसके बाद क्रिस पर भड़कते हुए स्मिथ ने कहा कि उनकी वाइफ जेडा का नाम अपने मुंह से मत लेना। ये सब देखकर वहां मौजूद स्टार्स को लगा कि ये मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि ये मजाक नहीं है। रिपोर्टर्स की माने तो जीआई जेन को लेकर क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ का मजाक उड़ाया था। उन्होंने जेडा के गंजेपन पर कमेंट किया था तो विल स्मिथ ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्रिस ने कमेंट करते हुए कहा था जीआई जेन फिल्म में उन्हें इसलिए लिया गया था क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं हैं। बता दें कि विल स्मिथ की पत्नी एलोपीसिया नाम की बीमारी से जूझ रही है, इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवाए हुए हैं। क्रिस की इस बात पर विल बुरी तरह भड़क गए और क्रिस को मुक्का मारने के लिए मंच पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, स्टेज से उतरने के बाद भी वह क्रिस पर भड़कते हुए नजर आए। विल के इस दौरान क्रिस को धमकाते हुए कहा कि वह दोबारा ऐसा करने की गलती ना करे। क्रिस ने भी उनकी बात सुनते हुए कहा वे ऐसा नहीं करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर विल स्मिथ का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विश्व नगरी।